राहुल गांधी के नेतृत्व से भाजपा की हालत हो गई है पतली, भाजपा की हालत हो गई है पतली, इसीलिए भाजपा ने बनाया है ईडी को अपनी कठपुतली। ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन मैं आपको और सरकार और बीजेपी को, सत्तारूढ़ पार्टी को ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि झूठ के पांव नहीं होते और सच छिपाए नहीं छिपता, झूठ के पांव नहीं होते और सच छिपाए नहीं छिपता। संस्थानों को बरगलाने से राहुल गांधी नहीं निपटता। दोस्तों, ये बड़ा स्पष्ट है कि द्वेष की भावना से, गुस्से, प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से इस प्रकार की मजाकिया 7 वर्षीय केस के विषय में 50 घंटे 5 दिन किसी को बार बार बुलाया जा रहा है। मोदी सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी जानती है कि देश के सभी अहम मुद्दों पे जो आज देश को पीड़ित कर रहे हैं, सता रहे हैं, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे वो कीमतों की मार हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, उसमें मन को, मस्तिष्क को बरगलाने की, बहकाने की, डाइवर्ट करने की, डाइग्रेस करने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता के कारण ही किस प्रकार से लोगों का मस्तिष्क घुमाया जाए, ध्यान आकर्षित ऐसी चीज़ों पे किया जाए, सुर्खियों पे, कैमरास पे जो ईडी के ऑफिस के सामने हैं, और बेरोजगारी और अग्निपथ और कीमतों से हटाया जाए, ये सब कारनामे और हथकंडे आप देख रहे हैं। आपको मैंने ही पहली बार संबोधित किया था जिस तारीख को ये समन्स आए थे, और मैंने कुछ बड़े सरल मुद्दे आपके समक्ष रखे थे जिनका कभी भी ईडी जवाब नहीं देती है, सरकार जवाब नहीं देती है, आज 7 वर्ष में कहीं से जवाब नहीं आता है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न क्या है, ये ऐसे प्रश्नों का पहाड़ कैसा है जो 5 दिन 50-55 घंटों में खत्म नहीं होता, ये कौन सा हिमालय है। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि मेरे को भी कुछ अनुभव है कानून का, सिर्फ दोहरा रहा हूं, सिर्फ 40-45 साल इसमें बिताए हैं मैंने। मैंने अपने इस सीमित अनुभव में कभी नहीं देखा कि कोई एजेंसी, CBI हो, ED हो, IT हो, कोई भी हो, 50-55 घंटे कितने प्रश्न पूछ सकती है, कितने प्रश्नों को दोहरा सकती है, कितने प्रश्न उठ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मैं ईडी हूं और आप से प्रश्न कर रहा हूं, तो प्रश्न नंबर 1 क्या होगा कि मान्यवर, आप क्या यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर हैं? उत्तर हां। 10 साल से हैं, ऑफिशियल है, कागजी है। दूसरा प्रश्न, क्या यंग इंडिया शेयर होल्डर है AJL का? उत्तर हां। 10 वर्षों से रहा है, हमेशा से है, कागजों में है, ROC के पास है। तीसरा प्रश्न, आप यंग इंडिया के डायरेक्टर या शेयर होल्डर के हैसियत से क्या AJL के एसेट्स को मालकाना हक रखते हैं या कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं? अब यह बड़ा रोचक प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर तो कानून में 1955 में लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने 1955 से और वोडाफोन के निर्णय ने 2012 में वापस दोहराया उसको, कि अगर मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अगर उस कंपनी का 100% शेयर होल्डर भी हूं, तब भी उस कंपनी के बैंक अकाउंट या एसेट्स का मैं मालिक नहीं हूं, शेयर होल्डर का उस पर मालिकाना हक और नियंत्रण नहीं होता है। तो न यंग इंडिया नेशनल हेरल्ड के एसेट्स की ओनर है, न राहुल गांधी, सुमन दुबे, मिसेस सोनिया गांधी उसकी मालिकाना हक या नियंत्रण करने वाले व्यक्ति हैं। ये कानून में लिखा है, 1955 से लेके 2012 में दोहराया उच्चतम न्यायालय ने। तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे और कितनी बार ये प्रश्न पूछेंगे?
और 55 घंटे में आपको ये समझ नहीं आएगा। चौथा प्रश्न कि आपको मान्यवर कोई फायदा हुआ इस डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग से, तो राहुल गांधी जी का जवाब तो वही रहेगा, अरे भाई अगर फायदा मैं करवाना भी चाहता और कोई फायदा देना भी चाहता तो कानून के अंतर्गत सेक्शन अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 25 वाली कंपनी में कुछ हो ही नहीं सकता। ना आप सैलरी दे सकते हो, ना पर्क्स दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, तो फायदा का कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप बार बार? ये कानून में लिखा है, वो कंपनी जिस प्रावधान में बनी उसमें लिखा है। कितनी बार आप इसका मतलब अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय है कि ये 55 घंटे और 5 दिन सिर्फ हैरेसमेंट है, प्रतिशोध है, ये संवैधानिक या कानूनी नहीं है, ये निजी है, ये निजी प्रतिशोध है, भय है। क्योंकि राहुल गांधी सबसे लंबे समय से अनिवार्य रूप से हर मुद्दे पे आपका सामना करते हैं, आपको सच दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, और आपको वो पसंद नहीं है। मैंने आपको उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी कहा था जो याद लाना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा विचित्र मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो मैंने पहली बार सुना है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है जबकि कोई रुपया मनी या प्रॉपर्टी अचल संपत्ति स्थानांतरण ही नहीं हुई, एक पैसा स्थानांतरण नहीं हुआ यहां से यहां, और एक प्रॉपर्टी स्थानांतरण नहीं हुई यहां से यहां। AGL की प्रॉपर्टीज हैं, AGL का शेयर होल्डर यंग इंडिया जो उसका मालिकाना हक नहीं है, यंग इंडिया के शेयर होल्डर हैं ये लोग सब, उनका कोई इसमें स्थानांतरण कहां हुआ? वेयर इज मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी मूविंग? सो दिस इज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी मूविंग और विदाउट प्रॉपर्टी मूविंग। इस सबसे सीधा सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि ये द्वेष की भावना से मनगढ़ंत बना बनाया केस है। और जैसा मैंने कहा आपको कि ईडी को अपनी कठपुतली बनाया है आपने, जैसा कि मैंने आपको कहा बीजेपी इज हाई ऑन इट्स रेज सो इट हैज कन्वर्टेड ईडी इनटू इट्स केज, और इसलिए ये आवश्यक है कि इस नीचे दिखाने के सिलसिले में, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, ये बार बार बुलाना, अपमानित करना और नीचे दिखाने की प्रक्रिया है, इस नीचे दिखाने की सिलसिले में खुद अपने जमीर को इतना छोटा बना दिया कि समर्थक भी शर्मिंदा हो गए। आपके समर्थक भी शर्मिंदा हैं इस बात से, और हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि इन चीजों से कांग्रेस या राहुल गांधी अगर भयभीत होंगे या दबेंगे तो आप किसी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। धन्यवाद।